गामरा वॉइस के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और पाइए हमारे वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में बात करेंगे Hyundai Elite i20 के वेलकम फीचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ वेलकम फीचर्स एक्चुअली होता है क्या है। आप स्मार्ट की लेके जैसे ही गाड़ी के पास पहुँचते हो, गाड़ी का जो ORVM है, जो साइड व्यू मिरर है, वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और Hyundai इसे वेलकम फीचर्स कहता है। मैं एक बार आपको लाइव करके बताता हूँ किस तरह से होता है। अभी आप देख पा रहे होंगे जो ORVM है वो गाड़ी के बंद है। जैसे मैं की लेके, मुझे कुछ कमांड नहीं देना है, सिर्फ इसको लेके गाड़ी के पास जैसे मैं जाता हूँ ये अपने आप से खुल जाएंगे। चलो मैं करके बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे हो की मेरे पास में है और आप देखिए ORVM जो वो खुल गए। मैंने यहाँ इसे कुछ कमांड नहीं दिया, ये अपने आप खुल गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी अनलॉक हो गई है। देखिए मैं की अभी पकड़े हुए हूँ और डोर खोलने की कोशिश करता हूँ तो गाड़ी हमारी लॉक है, गाड़ी अनलॉक नहीं हुई है। गाड़ी अनलॉक करने के लिए हमें यहाँ से इस स्विच को दबाना होगा, उसके बाद ही खुलेगी ये। तो चलो वापस से इसे बंद करते एक बार। आगे एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों मैं, ये जो ORVM है वो सिर्फ ड्राइवर साइड के डोर से ही सेंस करेगा। मैं आपको दिखा दूँ, अब चलते हैं पैसेंजर साइड की। तो ये ORVM वहाँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। अभी देख पा रहे हैं आप ORVM क्लोज है, साइड जो मिरर है वो हमारे बंद हैं। अब स्मार्ट के लेके उसके पास पहुँचते हैं तो आप देख सकते हो अभी बिल्कुल भी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सेंस नहीं कर रहा है स्मार्ट की को, और ये नहीं खुल रहा, बंद है। एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ ड्राइवर साइड डोर से कि किस तरह से ये सेंस कर लेगा और अपने आप से जो ORVM है, साइड मिरर है, वो किस तरह से अनलॉक करता है। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे अभी बिना कुछ करे अपने आप से ये जो साइड मिरर है वो खुल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप i20 लेने का प्लान कर रहे हो तो ये जो वेलकम फीचर्स है वो सिर्फ आपको आस्था ऑप्शनल में ही मिलेगा। आपको आस्था या स्पोर्ट्स मॉडल में ये फीचर्स नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप i20 से अपग्रेड करके ऊपर की ओर गाड़ी देख रहे हो तो क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये वेलकम फीचर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।